अस्सलाम वालेकुम आतिफ बंगश, अपने 35th एपिसोड के साथ। और जिस तरह हमने लास्ट एक वेबसाइट पे ट्रैफिक को किस तरह ड्राइव करना है उसके बारे में हमने अब जानना शुरू किया है कि वो कैसे हो सकता है, और ये भी हम इस चीज़ को समझ चुके थे कि ये इसमें बेतहाशा टूल्स और एक्सपीरियंस बेस्ड प्रैक्टिसेस मौजूद हैं जिनकी मदद से लोग ट्रैफिक को ड्राइव करते हैं अपनी वेबसाइट्स में। और इसमें सबसे अहम चीज़ जो होती है वेबसाइट में वो SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और लास्ट एपिसोड से हमने यही इन डेप्थ हमने देखना शुरू किया था SEO को, कि कौन कौन से ऐसे फ्री टूल्स हैं जिनसे आप जिनकी मदद से आप अपनी वेबसाइट पे SEO को ऑन साइट और ऑफ साइट दोनों में किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं अपने कोडिंग को, मेटा टैग्स को और उसको, जिससे आपके जो सर्च इंजन है, जो मुख्तलिफ सर्च इंजन्स वगैरह हैं, वो आपकी वेबसाइट के कोड को ईजीली इंडेक्स कर सकें, पेजेस को, टैग्स को। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो कीवर्ड सर्चिंग टूल्स के बारे में देखा था कि ऐसी वेबसाइट्स या ऐसे टूल्स जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं और जहाँ से आप कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं और उनको एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से उसके बाद जो दूसरी चीज़ हम आज देखने लगे वो है कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जो ऑन पेज एनालिसिस आपको देते हैं कि आपका जो वेबसाइट है उसकी पेज की जो कोडिंग है या कोई भी ऐसी जो मेटा टैगिंग की हुई है, कोड है, वो किस आया स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं है। और वो आपको मदद भी करते हैं कि आप अपने उस कोडिंग को, अपने पेज के स्ट्रक्चर को सही कर लें और चेक ऑन रियल टाइम वो चेक भी कर रहे होते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं किसी भी SEO एक्सपर्ट के लिए या जो लोग SEO सीख रहे हैं उनके लिए ये बहुत अहम है। तो ये हम आज मैंने अगेन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि अब अगर हम ऑन पेज SEO टूल्स को देखेंगे तो वो भी बेतहाशा हैं। मैं उनका जिक्र करूँगा जो मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ और करता रहता हूँ, तो जिससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है ट्रैफिक को ड्राइव करने के लिए। और चलें उनको हम अब देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो है रैंक मैथ। अब रैंक मैथ URLs साइट पे मेरे डिस्प्ले हो रहे हैं जहाँ से आप देख सकते हैं कि जाके इसको ऑन डेमो और इनका लेके या रियल टाइम इनको चेक करके भी आप देख सकते हैं। अब ये जो रैंक मैथ है, बेसिकली ये वर्डप्रेस एक जो CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आजकल ज़्यादातर वेबसाइट इसमें डेवलप होती हैं, ये उसका एक प्लगइन है। ये वर्डप्रेस में अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपको एक ऑन पेज टेक्निकल SEO में बहुत मदद देगा। इससे आप अपने टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस, OG टैग्स और मेटा टैग्स को डेवलप करने में आपको बहुत आसानी होगी, और ये आपका जो स्ट्रक्चर्ड डाटा है उसको भी, उसकी जो रिच स्निपेट्स होती हैं वो भी डेवलप करने में बहुत अहम आपको मदद देगा। तो ये प्लगइन बड़ा रिकमेंडेड है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होती हैं उसमें लोग योस्ट SEO है या SEO फ्रेमवर्क है वो वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो भी अच्छे हैं अगर आप उनके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और आप उनके इन डेप्थ उन प्लगइन्स को यूज़ करना, इंटीग्रेट करना जानते हैं, तो वो भी आपको अच्छा रिजल्ट दे देंगे आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन्स के लिए। मगर ये टूल क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ तो ये टूल आपको, अगर आप ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, आपको अच्छा लगा तो इसको कंटिन्यू करें, यह आपको ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स देगा इंशाल्लाह। अच्छा, आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास है जी SERP सिम। ये एक ऑनलाइन सर्विस है जिससे आप रियल टाइम अपनी जो वेबसाइट है उसके जो सर्च इंजन्स, जब आपकी वेबसाइट को सर्च करके लाएगा तो वो कैसा रिजल्ट देगा आपको, वो आपको एग्जैक्टली वो दिखाएगा। और फिर इसी वेबसाइट में रहते हुए आप उनमें चेंजेस करके देख सकते हैं और अपने अपने रिजल्ट को
सही तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं कि रिज़ल्ट आप जिस तरह दिखाना चाहते हैं सर्च इंजन को, उस तरह डिज़ाइन करके फिर आप अपने इम्प्लीमेंट कर लें अपने पेज पर। तो ये अभी जो एग्जिस्टिंग आपका यूआरएल होगा उसको सिर्फ आप यूआरएल को फेच करें, इसमें डालें, वो टाइटल खुद ले आएगा। अगर वो टाइटल की के करेक्टर्स ज़्यादा होंगे वो भी बता देगा। यूआरएल मेटा डिस्क्रिप्शन अगर 990 से ज़्यादा है वो भी आपको बता देगा। फिर उसके बाद इसमें रिच स्निपेट को भी आप चेक कर सकते हैं, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो होती है सर्च इंजन्स में कि किस डेट को लास्ट अपडेट हुआ और वोटिंग क्या है और ये चीज़ें सारी, वो भी आपको क्लियर कट इसमें पता लग जाएगी। कैशे भी ये बता देता है कि लास्ट कैशे कब हुआ और वो सब कुछ हुआ। और फिर इसी को आप चेंजेस वेंजेस करके रियल टाइम नीचे आप देख सकते हैं कि जिस तरह गूगल इसको दिखा रहा होगा कि रिज़ल्ट कैसा नज़र आएगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है, इसको किसी भी वेबसाइट को जब आप बना लेते हैं उसके बाद इसमें ट्राई करते रहें, आपके रिजल्ट्स जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद एक बहुत अहम टूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है गूगल रिच रिज़ल्ट टेस्ट। जो गूगल रिच रिज़ल्ट टेस्ट है इसका यूआरएल अवेलेबल है साइट पर, इसको देख लीजिएगा। ये आपके जो रिच स्निपेट्स होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि जो गूगल अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखता है रिजल्ट्स के साथ जो आमतौर पर नज़र नहीं आते, वो भी आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो वो आपकी वेबसाइट उसके लिए एलिजिबल है, उसकी कोडिंग उस तरह डिज़ाइन की गई है या नहीं की गई, उस इस टूल से रिच टेस्ट से आप वो चीज़ पता कर सकते हैं कि ये वो आपको बता देगा कि पेज इज़ एलिजिबल फॉर द रिच रिजल्ट्स। तो वो भी ये भी अच्छा है। इसके बाद अब थोड़ा सा और टेक्निकल हम जा रहे हैं। जब हम और टेक्निकल टूल्स की तरफ जाएंगे तो एक मार्कल्स स्कीमा मार्कअप जनरेटर है, ये यूआरएल अवेलेबल है। इस पे जब आप जाएंगे ना, ये बेसिकली जेसन एलडी का नाम आपने सुना होगा, इट्स बेसिकली जावा का ये एक टूल है जो आपका जो फॉर्मेट होता है ना, सारा टैगिंग जो जावा टैगिंग यूज़ कर रहा होता है आपके पेज के अंदर, उसको ये चेक करता है। बेसिकली ये कहना चाहिए कि इसको मैं पहले आपको बताता हूँ कि जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फॉर लिंक डेटा, ये बेसिकली आपकी स्ट्रक्चरिंग को चेक कर रहा होता है किसी भी पेज को, कि आपकी जो टैगिंग की स्ट्रक्चर है वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड है या नहीं है। अच्छा, जब आप इसको इसमें यूआरएल लिखेंगे या कोई कोड आप टाइप करके भी इसमें चेक कर सकते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू द जेसन एलडी स्टैंडर्ड है या नहीं, तो वो जब वो फिर आपकी एक तरफ आपका अपना सारा कोड ले आएगा, दूसरी तरफ आपका आपको सारा उसमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में बता देगा, जिसको आप इजीली पढ़ सकते हैं कि कौन सा टैग कहाँ पर गलत आ रहा है, कौन सा सही आ रहा है, वार्निंग्स बता देगा, एरर्स बता देगा। तो ये टूल ज़रूर इंस्टॉल करें, ट्राई करें और इसको बार बार अपने तमाम पेजेस को इसमें आप चेक करते रहें, कोड को मैनुअल टाइप करके चेक करें, तो आप एक बड़े अच्छे रिफाइन लाइटर वेट डेटा उसमें लिंक्ड पेजेस बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये इसको ज़रूर देखें। उसके बाद हम जाते हैं उसमें अगले टूल की तरफ, वो है Ahrefs SEO Toolbars। ये बेसिकली एक्सटेंशन है, ब्राउज़र एक्सटेंशन है जो आपको इसके लिए भी मिल जाएगी, क्रोम के लिए भी मिल जाएगी और फायरफॉक्स के भी मिल जाएगी। ये भी एक बहुत अच्छा टूल है जो SEO एक्सपर्ट्स हैं उनके या बिगनर्स हैं जो सीख रहे हैं वो इसको अपने ब्राउज़र्स में इंस्टॉल कर लें। और ये भी रियल टाइम कोई भी वेबसाइट देख रहे होंगे, कोई भी पेज किसी भी पेज को देखना चाहेंगे जो इन ब्राउज़र में खुला होगा, तो ये राइट साइड पे उसके तमाम ऑन पेज SEO एनालिसिस कर रही होगी, इंफॉर्मेशन दे रही होगी, जिसमें ब्रोकन लिंक्स हैं, रीडायरेक्ट चेन्स हैं और अनफॉलो लिंक्स हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ये ब्रोकन लिंक्स हैं इनको ठीक करना, जो आपके पाथ्स हैं फुल पाथ्स जिनको हम रीडायरेक्ट चेन्स कहते हैं, वो भी आपके ठीक हो जाते हैं, इस तरह आपको पता लग जाता है। अनफॉलो लिंक्स हैं,
जो SEO में बहुत अहम है, फिर इसके बाद जो SEO मैट्रिक्स है उसका पूरा आपको स्ट्रक्चर पता लग रहा होता है इसमें, जो कि गूगल SERP के लिए ज़रूरी होता है। तो ये रियल टाइम सारा कुछ आपको नज़र आ रहा होगा इसमें। तो ये जो पांच टूल मैंने आपको बताए ना, इसके अलावा भी बेताश हैं, आप ट्रस्ट करें, ट्राई करें, जो भी करें इंस्टॉल करके देखें। वर्डप्रेस में अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके बेतहाशा टूल्स हैं, वो इंस्टॉल करें, लेकिन हर चीज़ को समझ के करें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, तब आपको उसका फ़ायदा होगा। यानी कि आप, हम लोगों में तेज़ी होती है, हम लोग बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें डेवलपर्स ने बहुत इनडेप्थ बनाई हुई होती हैं, उसको समझना ज़रूरी होता है। अगर आप समझेंगे नहीं, आप और चाहेंगे कि फ़ौरन में ये बस जादू की छड़ी हो जाए और सब कुछ हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। आपको उन टूल्स को अच्छे तरीके से समझना है, ट्राई करना है, फिर रिजल्ट्स देखने हैं, फिर ट्राई करना है, फिर रिजल्ट्स देखने हैं। इस तरह क्या होता है कि आप ट्राई ट्राई अगेन से उस टूल के मास्टर बनते जाते हैं। तो ये जो चार पांच टूल मैंने आपको भी बताए, इनमें से कुछ प्लगइन्स हैं, कुछ एक्सटेंशंस हैं, कुछ ऑनलाइन रियल टाइम आपकी टेस्टिंग है ऑन पेज, उस वेबसाइट को उसी वक्त एनालिसिस करके आपको दे देते हैं। और ये इनको ट्राई करें, फिर नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये आपको कितना फ़ायदा दे रहे हैं, और अगर किसी चीज़ में मसला हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है। मैं अभी इसी SEO के हवाले से और भी कुछ बताने वाला हूँ, आगे भी पूरा सीरीज़ चल रही है, इसमें कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम हम लिंक बिल्डिंग टूल्स को डिस्कस कर लें, कि जो लिंक बिल्डिंग होती है वो किस तरह होती है और उसके कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं फ्री, तो उसको हम देखेंगे इन डेप्थ। तो बेल का बटन प्रेस कर लें ताकि अगली जो मेरी आने वाली वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन चला जाए। आई होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।